एक ऐसी जगह है जो सबसे ऊंची है, जहां बादलों के पार सपनों का पीछा किया जाता है, जहां बस ताकतवर और भाग्यशाली ही बच पाते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी जहां हवा प्रचंड है, एक वीरान मृत्यु क्षेत्र जहां मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, हर सांस ठंडी आग की तरह फेफड़ों को जला देती है। एवरेस्ट कहे जाने वाले इस पहाड़ पर कई लोग था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ देवताओं का निवास है। मेरे लोग शेरपा बौद्ध हैं। एवरेस्ट को हम शिखर पर रहने वाली देवी चोमोलोमा के नाम से बुलाते हैं। 50 से भी अधिक सालों तक जिसने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की वो असफल रहा या मर गया। और तब 1953 में दो पहले पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे, एडमंड हिलेरी और मेरे पिता तेनजिंग नॉर्गे। जब मैं सिर्फ 5 साल का था तो मैंने पहाड़ के देवताओं के नाम घी के दिए चलाए थे, जिन्होंने शिखर पर मेरे पिता की रक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि पहाड़ ने उन्हें अपार शक्ति दी है। मुझे लगता था वे दुनिया के सबसे बहादुर व्यक्ति थे। एवरेस्ट पर उनके चढ़ने के 43 साल के बाद अब शिखर पर चढ़ने की मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। लगता है ये तो मेरे खून में ही है। सबसे पहले मैंने सीखा खुद को रोकना। यही एक तरीका है जिससे आप बर्फीली ढलान पर गिरकर फिसलने से स्वयं को बचा सकते हैं। एवरेस्ट की चोटी के पास लोत्से फेस करीब 1 किलो ऊंची बर्फ की दीवार है। मेरे पिता उस पर चढ़ गए थे और अब 43 साल बाद मैं उसी रास्ते चढ़ूंगा। इस बसंत में जैमली एक एवरेस्ट अभियान में शामिल हो जाएगा, जिसके नेता सिएटल के एड बीस्टर होंगे। एड एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ चुके हैं। वो हर रोज अभ्यास करते हैं, यूटा में छुट्टी बिताते समय भी। मैं अपने साथ एक कुशल आरोहियों का दल लाया हूं, जो एवरेस्ट के भूगर्भ का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। इस साल मेरी मंगेतर पॉला बेस कैंप की मैनेजर होगी। हम शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एवरेस्ट पर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से एवरेस्ट पर हनीमून सस्ता रहेगा। फर्क बस इतना है कि मैं 5 घंटे की बाइक राइड को वर्कआउट कहती हूँ और वो कहता है वार्म अप। इस दल की तीसरी मुख्य आरोही होंगी बार्सिलोना स्पेन की 10 युवा पर्वतारोही एरासेली सेगारा, जो कई ऊंचे पहाड़ चढ़ चुकी हैं, मगर वो विख्यात है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। मुझे समंदर के किनारे समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन पर्वतों पर चढ़ना उससे भी अधिक। मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही, मुझे पर्वतारोहण प्यारा लगता है। यह मेरा पागलपन है बस। अगर वो एवरेस्ट की चोटी चढ़ने में सफल होती है
तो इतिहास में एरासेली पहली स्पेन की महिला होगी। हालांकि वो मेक्सिको में प्रशिक्षण ले रही हैं, उनका लक्ष्य यहाँ से आधी दुनिया दूर है। एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का हिस्सा है, जो एशिया के बीचों बीच 1500 मील तक फैला है। इसकी बर्फीली चोटियों से बहुत नीचे सब ट्रॉपिकल जलवायु की घाटियों में बसी है नेपाल की राजधानी काठमांडू। यह शहर मुझे बहुत प्यारा है। 1953 में मेरे पिता और हिलरी यही काठमांडू से यात्रा पर निकले थे। 15 मार्च को हमारे दल के लोग भी अपनी योजना बनाने यही जुटेंगे। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉजर बिलम की मदद के लिए पर्वतारोही काठमांडू आए हैं। रॉजर चाहते हैं कि ये दल एवरेस्ट की चोटी पर यंत्रों को रख दे ताकि वो इसके भूगर्भ का अध्ययन कर सकें। जापान की सुमी सुजुकी इस अभियान को डॉक्यूमेंट करेंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में एवरेस्ट पर चढ़ पाने की शक्ति है? नहीं जानती कि मुझ में कितनी शक्ति है, कभी एवरेस्ट पर चढ़ी नहीं, देखना है मुझे। हमारे पास कुल मिलाकर 3 टन सामान है, जिसमें से आधे से 2/3 शायद खाने का ही है। यही मेरा सपना रहा बचपन से ही, मैं शिखर पर चढ़ूं। कल हम हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट के निचली पहाड़ियों तक पहुंचेंगे। आने वाली मुसीबतों से रक्षा के लिए पूजा चक्रों को घुमाने में सुमियों मेरा साथ दे रही है। एड के भाड़े पर लिए जर्जर रूसी हेलीकॉप्टर को देखकर तो मुझे लगा कि जितनी हो सके उतनी पूजा कर ही लेनी चाहिए। हेलीकॉप्टर बेस कैंप की ऊंचाई तक नहीं जा सकता, मगर 9000 फीट तक तो ले ही जाएगा। वहां से 30 मील चलकर ही माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाएंगे। दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटियों पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और अधिकतर तो हिमालय में ही है, और रॉजर को पता है ये ऐसा क्यों है। एरासेली को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का नशा है, और वो कैसे बनते हैं यही जानना रॉजर बिलम का उद्देश्य है। महादेश वस्तुतः घूमते हैं, और जब दो विशाल पृथ्वी खंड टकराते हैं तो पत्थरों को कहीं जाने के लिए जगह तो चाहिए ही, और वो ऊपर जाते हैं। इसी टकराव ने हिमालय पर्वतमाला को ऊपर धकेला है। करीब 10 करोड़ साल पहले भारत कहा जाने वाला भूखंड अपने उत्तर एशिया की ओर खिसकने लगा था। जब महादेश टकराए तो भारत का एक हिस्सा एशिया के नीचे चला गया, और बीच की जमीन दबाव से ऊपर उठ गई, उसी से बना हिमालय। भारत अभी भी एशिया के नीचे घुसता जा रहा है, इसीलिए हर साल हिमालय 1/4 इंच और ऊंचा हो जाता है। 29,028 फीट पर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 5.5 मील ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। भूखंड की छोटी छोटी गतिविधियां ऊंचे पहाड़ों को जन्म देती हैं, और रॉजर अपने जीपीएस यंत्रों से उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। रॉजर तो वो खुश दिखता है जब वो अपना ज्ञान दूसरों को बताता है। उसके लिए तो भूगर्भ एक जीवंत प्राणी है। पृथ्वी के अंदर की वेगवान शक्तियां जो इन पहाड़ों को 5 मील ऊंचा बना देती हैं, भयानक भूकंप का कारण भी बन जाती हैं। खुमजुम जैसे गांव में कुछ ही मकान ऐसे बने हैं जो इन झटकों को सह सकते हैं। हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पर यदि हमारा दल एवरेस्ट के ऊपर जीपीएस माप लेने में सफल हुआ तो हमारे आंकड़े और भी सही हो जाएंगे। 13,000 फीट पर एक एकांत टीले पर बसा है ध्यान बोझ का बौद्ध विहार।
43 साल पहले मेरे पिता एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए देवता का आशीष लेने इसी बौद्ध विहार में रुके थे। शेरपाओं का विश्वास है कि पूजा करने वालों की तो पर्वतीय देवता रक्षा करते हैं, मगर खराब नियत वालों पर क्रोधित भी होते हैं, मृत्यु दंड भी देते हैं। इसीलिए पर्वत का सदा आदर ही करना चाहिए। सामान ढोने वाले 60 याकों के दस्ते के साथ हम बेस कैंप जा रहे हैं, यहां से 5000 फीट ऊपर। सेहतमंद आदमी भी ऊंचाई की बीमारी से मर सकता है, मगर यदि आरोही धीरे धीरे चढ़े तो शरीर कम ऑक्सीजन के लिए तैयार हो जाता है, जिसे जलवायु के अनुकूल बनना कहते हैं। खून की लाल कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाती है ताकि वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जमा कर सके। 29,000 फीट की ऊंचाई पर किसी का जिंदा रहना ही एक अद्भुत उपलब्धि लगती है। अगर किसी को समुद्र तट से सीधे एवरेस्ट की चोटी पर ले जाया जाए तो कुछ मिनटों में ही वो बेहोश हो जाएगा और फिर जल्दी ही दम तोड़ देगा। पत्थरों के ये स्मारक, जिन्हें यहाँ चोटन कहते हैं, एवरेस्ट पर शहीदों के यादगार हैं। खुम्बू पहुँचते ही इन चोटनों को देखकर पहाड़ों पर मरे लोगों की याद आती है जिन पर हम चढ़ने जा रहे हैं। अप्रैल को हम एवरेस्ट के नीचे तक पहुंच गए हैं। यहाँ एक विशाल ग्लेशियर पर हम बेस कैंप बनाते हैं। हमारे कैंप के पास दर्जनों दूसरे कैंप लगे हैं, सभी की मंजिल एक ही है, वो चोटी जो अब सिर्फ 2 मील ऊंची है। एड को फिक्र है कि पहाड़ पर कुछ ज्यादा ही दल जमा हो गए हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल ही अनुभवहीन लगते हैं। संचालन के इस बेस कैंप से सामान का भार बांटने और मजबूत शेरपाओं द्वारा ऊपर भेजने की जिम्मेवारी जैमलिंग की है। वो लाल वाला साला किधर है? मेरी तरह बहुत तेरे शेरपा बिना बीमार हुए या सांस की तकलीफ के भारी बोझ ऊपर तक ढो सकते हैं। हमारे खून में ऑक्सीजन अधिक होता है, इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि पहाड़ चढ़ना तो मेरे खून में है तो मैं मजाक नहीं करता। दल के सभी लोग मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हनीमून पर 30 लोग होंगे। 30 भूखे लोग। बड़े बावर्ची को चंगबा कहते हैं, ये हमेशा ही गाता रहता है, हंसता रहता है। सच, ये बहुत ही मजेदार आदमी है। चलो खाना तैयार है। दिन में कई बार बेस कैंप पर पर्वत खंडों के टूटकर गिरने की दहाड़ आती रहती है। एवरेस्ट पर 150 आदमी मरे हैं, करीब एक तिहाई की मौत तो गिरती बर्फ की चपेट में हुई है। हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे जिससे 1953 में मेरे पिता और एडमंड हिलेरी गए थे। इसमें 3 बेहद खतरनाक इलाके हैं। पहला है खुम्बू का हिमप्रपात, जहां बिना किसी चेतावनी के बर्फ के बड़े स्तंभ गिरते रहते हैं। इसके ऊपर है 4,000 फीट ऊंची बर्फ की सीधी खड़ी दीवार, लोत्से फेस। और तीसरा खतरनाक इलाका है चोटी के पास का दक्षिणी पूर्वी रिज। हिमप्रपात 500 फीट गहरी जमीन नदी की तरह है, जो करीब 4 फीट प्रतिदिन के हिसाब से नीचे खिसकती है। कुछ विशाल हिमखंड का वजन तो 40 टन तक होता है, जो अचानक टूट पड़े तो आपको क्षण भर में पीस दे। प्रपात में सीढ़ियां खूब काम आती हैं, उसका अभ्यस्त होने में वक्त लगता है। मैं शुरू में ही गिरना पसंद करती हूँ कि बाद में मुझे फिर गिरना नहीं पड़े।
जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो अंदाज नहीं लगता कि खाई कितनी गहरी है। मैं तो पता भी नहीं करना चाहती। शेरपा कहते हैं कि अगर आप इसमें गिरे तो सीधे अमरीका पहुंच जाएंगे। हिमपात के बाद हम मिडिल कैंप तक पहुंचते हैं, जहां अपने को जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कुछ हफ्ते रुकना पड़ेगा। यदि आप एक बार एक बहुत ऊपर चढ़ गए तो एडिमा के शिकार हो सकते हैं। आपके फेफड़ों में पानी भर जाएगा और आपकी मौत हो सकती है। बीच के कैंप में आरोही को और भी पानी पीना चाहिए जो इन्हें बर्फ गला के मिलता है। यहाँ सूखी हवा हर सांस से नमी खींच लेती है और फिर होने लगती है खांसी। ऐसी ही खांसी के दौरे से सुमियों की दो पसलियां चटक गई हैं। नीचे बेस कैंप में जाने वाला हर मजदूर पौला के पास यहाँ का वीडियो ले जाता था। पौला देखना चाहती थी कि मैं ठीक ठाक तो हूँ। आखिरकार ये हमारा हनीमून था। देखा तो क्या है इसमें? हाँ, तो हम खाने जा रहे हैं स्लाइस्ड हल्के भुने स्पैम और साथ में थोड़ा मस्टर्ड। लगता है एडवांस्ड बेस कैंप में नाश्ते का समय है। ये तो बहुत बोरिंग है। आइसक्रीम की सोच रही हूँ, साथ में चॉकलेट और ऊपर से क्रीम की टॉपिंग, मजा आ जाएगा। सात मई। पांच हफ्ते में 22,000 फीट पर दल पर्यावरण के अनुकूल हो गया है, इसलिए अब खून की हर बूंद ज्यादा ऑक्सीजन रख सकती है। अब ऊपर चढ़ने को ये सब तैयार है, मगर इस वक्त एवरेस्ट का शिखर तूफानी बर्फीली हवाओं की चपेट में है। करीब पूरे साल तूफानी हवाएं एवरेस्ट को चढ़ने के लायक नहीं रहने देती। सिर्फ मई में कभी एक हफ्ते शांति रहती है, मौसम साफ मिलता है और तभी आप चुपके से शिखर पर जा सकते हैं। अभी भी वहां हवा तेज थी, इसलिए मैंने चुपचाप बैठना ही ठीक समझा। आसान नहीं है देखते रहना कि दूसरे दल तो बढ़ते जा रहे हैं और आप शिखर तक पहुंचने का कोई मौका गंवा तो नहीं रहे। दूसरे 12 दलों में सबसे बड़ा दल है न्यूजीलैंड के मेरे अच्छे दोस्त रॉब हॉल का, एवरेस्ट का एक बहुत अनुभवी आरोही। आठ मई और उसके अगले दिनों की यादें मुझे हमेशा सताती रहेंगी। सीधी खड़ी बर्फीली लोथ से फेस की ओर उस दिन करीब 50 आरोहियों को बढ़ते देखा था। इसमें मेरा दोस्त रॉब हॉल भी था। उन्हें शिखर तक पहुंचने में 3 दिन लगने वाला था। हालांकि उस वक्त मुझे घबराहट सी हुई थी, लेकिन कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे एक भयानक दुस्वप्न की ओर बढ़ रहे थे। 2 दिनों के बाद वे ही आरोही शिखर की ओर फिर बढ़े। उस दिन कुछ देर बाद बिना किसी चेतावनी के पहाड़ के ऊपरी हिस्से को एक भयंकर तूफान ने भेद दिया। लगभग 2 दर्जन आरोही शिखर के रास्ते में बिखरे चढ़ रहे थे।
कई तो इतनी ऊंचाई पे थे कि उनका सुरक्षित नीचे आना संभव ही नहीं था। दिन के आखिरी पहर में कुछ एक आरोही किसी तरह हाई कैंप तक वापस लौटे, मगर औरों की उम्मीद जाती रही। एवरेस्ट पर तूफानों में लोग पहले भी फंसते रहे हैं, शायद ही लोग बच पाते हैं। हंसे आरोहियों का ऑक्सीजन खत्म हो गया था, वो बर्फ की चमक से अंधे से हो गए थे, और जब बर्फीली हवा शून्य से 100 डिग्री नीचे चली गई, 17 आरोही तब भी पहाड़ों में फंसे थे, रॉक भी उनमें था। जब रात हुई तो अधिकांश आरोही हवा की ओर पीट कर उखड़ू बैठ गए थे, इस आशा में कि रात कट जाए। जब पॉलर ने उस रात बेस कैंप से मुझसे बात की तो उसने याद दिलाया कि रॉक की पत्नी जैन 7 माह गर्भवती थी। हमें इस सच्चाई को मानने में दिक्कत हो रही थी कि तूफान से जान बचाने में लगे हमारे दोस्त भी हैं और शायद उनमें से कुछ लौट के ना आ पाए। मैं जानता था मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन सुबह खबर मिली कि 7 आरोही अभी भी लापता हैं, मगर उनमें से एक रेडियो पर संपर्क में था, रॉब हॉल। होनी को पछाड़ वो 28,000 फीट की बर्फीली हवाओं में भी बच गया था, मगर रॉब में हिलने की ताकत नहीं बची थी। वो बेहद कमजोर था, ऑक्सीजन के लिए हांफ रहा था, मगर उसने हार नहीं मानी थी। दक्षिणी शिखर पर पहुंचकर रॉब से रेडियो पर बात करना बहुत ही कठिन था। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं मिडिल कैंप में था और वो कम से कम 2 दिनों की चढ़ाई पर। किसी तरह काम चलाओ रेडियो पैच के जरिए रॉब की बातचीत न्यूजीलैंड में उसकी पत्नी जैन से करा दी। जब हमने उन दोनों को सुना तो समझ गए कि हम हार चुके थे। हम सब रोने लगे। फिर उन्होंने अपने अजन्मे बच्चे के लिए नाम चुना और रॉब शून्य से नीचे के तापमान में सो गया, लेकिन उस रात वो नहीं बचा। हाई कैंप से ठीक ऊपर बेकवेदर्स तूफान में 22 घंटों से भी अधिक समय से भटक रहा था। दूसरे आरोहियों ने उसे मृत मान छोड़ दिया था और फिर करीब करीब अंधा बना पाले से पथराए हुए हाथ लिए बेक अपना सामान छोड़ खड़ा हो गया और चलने की कोशिश करता रहा। मैं बस इतना जानता था कि जितनी देर मेरे पांव बढ़ेंगे मैं उस कैंप की ओर बढ़ता रहूंगा, और मैं गिर पड़ा तो मैं उठूंगा, और अगर फिर गिर पड़ा तो फिर उठूंगा, चलता रहूंगा जब तक वो कैंप नहीं आ जाए या उस पहाड़ को पार नहीं कर जाऊंगा। बेक के दल के साथी मान बैठे थे कि वो कहीं बर्फ में दबा मरा पड़ा है, इसलिए उसे हाई कैंप में आते देख वो भौचक्के हो गए। उसकी जिंदगी एक धागे से लटक रही थी, मगर एड ने तो बेक को बचाने की ठान ली थी। फिल्म यूनिट अपना सामान छोड़ पहाड़ों में मेरे साथ तूफान में निकल पड़ी। हम रॉक को खो चुके थे, अब बेक को किसी भी कीमत पर खोने को तैयार नहीं थे। वो इतना अंधा और कमजोर हो गया था कि हमें सहारा देकर उसका हर कदम रखना पड़ता था, मगर हमारी मदद के बावजूद बेक में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिमप्रपात को पार कर पाता। पाले से काट हो गए उसके हाथ तो काटने ही पड़ेंगे, समय का संकट था, हमें उसे तुरंत वहां से निकालना था। बीस हजार फीट पर हेलीकॉप्टर की सहायता का सवाल ही नहीं था। इस ऊंचाई पर हवा इतनी हल्की है कि हेलीकॉप्टर के पंखों को काटने के लिए कुछ होता ही नहीं, किसी भी क्षण वो अपनी ऊंचाई खो आसमान से गिर सकता है। एक ही पायलट जिसने कोशिश की थी ध्वस्त हो गया, मगर एक नेपाली पायलट कर्नल मदान केसी ने यह खतरा उठाने की ठान। जब हेलीकॉप्टर ने हिमप्रपात के ऊपर उड़ान भरी तब भी बेक का बच पाना असंभव लगता था। पायलट को उतरने में दिक्कतें आ रही थी, कोई नहीं जानता था कि वो कब टकराएगा। हम लोगों ने बैग को अंदर डाला और सांस रोक ली। वहां
से उड़ते ही मेरे आंसू बहने लगे। जिंदा बच जाने के लिए मैं बहुत कृतज्ञ था। कर्नल मदान, एड, वीजर्स और फिल्म यूनिट के सदस्यों की ही देन है मेरी जिंदगी। फिर भी बचाव का ये काम अद्भुत होते हुए भी पहाड़ों के इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी से एवरेस्ट पर छाए दुख के बादलों को छाट नहीं सका। तूफान ने 8 जाने ले ली थी। हम सभी बेस कैंप उतर गए थे। देर तक पॉल और मैं एक दूसरे को थामे खड़े रहे थे। त्रासदी ने हमारे दल को, खासकर मुझे, तो हिला के रख दिया था। रॉब मेरा करीबी दोस्त था और उसकी पत्नी और 7 मास के गर्भ के बारे में सोच और ये कल्पना कर कि मेरा दोस्त अपने पहले बच्चे के जन्म पर वहाँ नहीं होगा, बहुत ही दुख होता था। मरे लोगों को पार करते हुए डर लगता है। जमे अकड़े लोगों को देखना मुझे पसंद नहीं। बस बेस कैंप एक भूतहा नगर जैसा लग रहा था। दूसरे आरोही दलों ने अपना सामान बांधा और चले गए। हम लोगों ने भी सोचा कि शायद निकल जाना ही ठीक होगा। मैंने बहुत विहार में पूछवाया कि क्या मुझे यह अभियान छोड़ देना चाहिए। 7 दिन बीत गए और मुझे लगा कि मेरा सपना कहीं खोता जा रहा है। मगर तभी बेग की खबर आई जिससे मुझे बड़ी राहत हुई और हिम्मत भी बंधी। अपने घर डैलस लौटने के कुछ ही दिन बाद बेग अपनी हालत सुधारने में लग गया था। आखिर उसे अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े थे, मगर वो कभी हिम्मत नहीं हारा, कभी जीने की चाह नहीं छोड़ी। उसके अद्भुत विश्वास से हम सबकी हिम्मत बढ़ी। हम फिर से ऊपर चढ़ने की सोचने लगे, मगर अभी भी तेज हवा शिखर के बर्फ की कलंगी उड़ा रही थी। बात कुछ बन नहीं रही थी। हवा के होते चढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर संभव नहीं है तो नहीं है। आपको चढ़ना है कि नहीं, ये तो पहाड़ी आपको बताते हैं। मुझे आखिर विहार से संदेश मिल गया कि देवता मेरे अभियान के खिलाफ नहीं थे। अपने अलग अलग तरीके से हर आरोही इसी साहसी निर्णय पर पहुंचा था। उन्हें फिर से कोशिश करनी थी। उन्होंने अपने अंतर को शुद्ध करने के लिए एक पूजा की और तब अपने दुखों को ताक पर रख वो हिमप्रपातों के बीच एड के साथ चलने लगे। बहुत तेज थी। हम सोचने लगे कि हमें अभियान छोड़ना पड़ेगा। शेरपाओं को डर था कि हवा के लक्षण ठीक नहीं थे। जब दूसरे शेरपाओं ने कहा कि वो डर रहे थे तो मैंने वही कहा जो मेरे पिता ने सिखाया था, एक आरोही को सदा पर्वत का आदर करना चाहिए। मेरा मन कतई तैयार नहीं था कि एड फिर से चोटी बचाने का प्रयास करे। फिर भी मैंने हिम्मत बटोर कर कहा कि जाओ। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला था। हमारे पास समय की कमी थी। हमने फैसला किया कि शिखर पर भयंकर हवा के बावजूद हमें और ऊपर जाना होगा कि जैसे ही हवा रुके हम चोटी पर जा सकें। मगर पहले हमें लोथ से फेस चढ़ना होगा जो 2 दिनों की जानलेवा चढ़ाई होगी।
इससे फेस 4000 फीट ऊंची खड़ी बर्फ की दीवार है। हम बंधी रस्सियां इस्तेमाल करते हैं, फिर भी लोग मरते ही हैं। उन्होंने क्लिप खोला, एक गलती की और फिर गिरे। रॉकेट की गति से गाधा में लुढ़के और फिर बिना पेंदी के किसी खाई में गुम हो जाते हैं। यहाँ ऊपर हम सचमुच ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हैं और एवरेस्ट पर यह सबसे बड़ा खतरा है। दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलने से ठीक से सोचना मुश्किल होता है, शराबी की सी हालत हो जाती है। आपको लगता है आपका दिमाग चुस्त है, मगर ऐसा है नहीं। हाई कैंप पर हम लोग चोटी से करीब 3/4 तक पहुंच गए हैं। आखिरकार शिखर की हवाएं थम गई है। 26,000 फीट पर GPS रिसीवर को सेट करना मुश्किल था, लेकिन ये काम कर रहा था। मैंने रॉजर से ये नहीं कहा कि हमने यहाँ सैकड़ों पत्थरों को देखा जो कभी समुद्र के कर्म में थे। यहाँ से पत्थरों के अलावा भी ले जाने को बहुत कुछ है। 22 मई दल उस रात शिखर के लिए प्रयास करेगा। टूटी पसलियों के बावजूद सुनियो को रेडियो संपर्क के लिए हाई कैंप पर रुकना पड़ा। एड को चिंता थी कि पॉला को उसका भेजा वीडियो बेस कैंप पर मिला कि नहीं। यदि मुझे वापस लौटना पड़े तो मैं लौट आऊंगा। मैं सावधान रहूंगा। I love you। इतनी ऊंचाई पर आपकी बुद्धि धीमी गति से चलती है। आप सो नहीं सकते, खा नहीं सकते। आपका दिमाग ऑक्सीजन के लिए तरसता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है और आपकी मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं। इसीलिए तो आखिरी 3,000 फीट को मौत का इलाका कहते हैं। मैं बहुत तनाव में था क्योंकि कुछ घंटों में ही मैं जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चढ़ाई पर जा रहा था। हाई कैंप से शिखर को करीब 12 घंटे लगते हैं। आधी रात को शुरू करना पड़ता है ताकि दोपहर तक पहुंच जाएं। एड बिना किसी ऑक्सीजन के चढ़ने वाला था, इसलिए वह रात 11 बजे ही निकल पड़ा, हम लोगों से 1 घंटा पहले। आधी रात को तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे था। एरसेली, जैमले और 5 शेरपा अपने ऑक्सीजन की रसद ले एड के छोड़े निशान पर शिखर की ओर चल पड़े। रात में गॉगल्स और ऑक्सीजन मास्क लगाकर मुझे लगा जैसे मैं चांद पर हूँ। दूसरे भी करीब ही थे मगर हम कभी बोले नहीं। मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ऑक्सीजन मास्क के अंदर बस अपनी ही सांस सुन रही थी। एवरेस्ट की ऊंचाई पर सांस लेने को कुछ है नहीं। समुद्र तट का बस 1/3 ऑक्सीजन है यहाँ। पानी में डूबते वक्त शायद ऐसा ही लगता होगा। आप लड़खड़ाते बढ़ते हैं, आपकी मांसपेशियों से शक्ति की हर बूंद चुक जाती है, आपको बस पूरी हवा नहीं मिलती। सूरज निकला मगर जब भी मैं दूसरों के इंतजार में रुका मैं ठंडा पड़ने लगा और मुझे आगे बढ़ना ही पड़ा। मैं बिना ऑक्सीजन बोतल के ही चढ़ रहा हूँ क्योंकि ये चैलेंज मुझे पसंद है। बस मैं और ये पहाड़, सीधी सी बात। हे पॉला, अच्छी खबर है, लगता है मैं पूरी टीम को दक्षिणी शिखर पर देख रहा हूँ। ओवर। मनुष्य का शरीर इस ऊंचाई पर जीने के लिए नहीं बना। वो चीखता है कि मुड़ो और वापस जाओ। उसे अच्छी तरह पता है कि एक गलत फैसला और मौत। अपने ही एक पैर को दूसरे के आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपनी सारी ताकत और ध्यान लगाना पड़ रहा था। कभी जीवन में ऐसी थकी नहीं मैं। मन करता था बस बर्फ में बैठ आराम कर लूं, लेकिन फिर खुद से बोलती थी 10 कदम और। बस मैं चलती और चलती गई। हवा बहुत बिहार के नगाड़ों की धमक जैसी सुनाई पड़ती है, लेकिन हो सकता है ये मेरे दिमाग में चढ़ते खून के धमाके हों। दर्द जब से बढ़ने लगा मुझे लगता है मैं मौत के बहुत करीब हूँ, बस उस पार गए बिना। हर आधे घंटे में सुमियों को रेडियो करती रही। क्या एड की कोई खबर है? कोई खबर?
मैं जानता था कि रॉब मुझे कहाँ मिलेगा। बर्फ में जमा हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो उसके बगल में बैठकर रोया। बस एक बार उसकी दोस्ती भरी न्यूजीलैंडी जुबान सुन लेना चाहता था। जब मैं आगे बढ़ा तो लगा पता नहीं एकदम क्षणभंगुर, मगर तभी मैंने जो आवाज सुनी वो पौला की थी। रेडियो पर उसकी आवाज की गूंज। मैंने कहा इस पहाड़ पर ऐसे चढ़ो मानो पहले कभी चढ़े ही नहीं। उसने कहा वो बहुत भावुक हो उठा था और वो पूरे रास्ते वही सोचता रहा। चढ़ाई की सबसे कठिन ढलान ठीक चोटी के नीचे है, पत्थरों और बर्फ की खड़ी दीवार जिसे हिलरी स्टेप कहते हैं। जब मैं उसे पार कर गया तो लगा कि मैं लक्ष्य पूरा कर लूंगा। मैंने पौला को रेडियो किया और बताया कि मैं सफल हो गया हूं, मगर बिना ऑक्सीजन एरसिली और जैमलिंग के इंतजार में मुझे ठंड जकड़ने लगी थी। नीचे उतरते समय उनसे मिला, तब एक चोटी से उतरा और हमसे गले मिला। उसने कहा कि चोटी दूर नहीं है। बारह घंटे की चढ़ाई के बाद मुझे ध्यान रखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। रिज के दोनों तरफ एक मील गहरा कटाव है। चोटी के इतने करीब मैं फिसलना और गिरना नहीं चाहता था। बस 100 मीटर ही बचे थे, लेकिन वो मेरे जीवन के सबसे लंबे 100 मीटर थे। पहाड़ों पर 9 लंबे हफ्तों के बाद वो सफल हुए और एरासेली सेगारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली स्पेन की पहली महिला बन गई। जब मैं चोटी पर पहुंची मैं चूर हो चुकी थी, लेकिन तभी एहसास हुआ कि मैं वाकई यहाँ हूँ और मैं खुश हो गई। मुझे विश्वास था कि मैं चोटी से आधी दुनिया देख रही थी। पता नहीं मेरे दोस्त मेरे बारे में सोच भी रहे थे या नहीं, वो अंदाज भी नहीं कर सकते थे कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी। मैं चिल्लाकर कहना चाहती थी मैं ठीक हूँ, मैं जीत गई। जैमलिंग की तस्वीरें खींची। यहां पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, मैं उसके लिए बेहद खुश थी। बचपन से ही मैं इस क्षण के सपने देखता रहा हूं। मेरा मन गदगद हो उठा, मेरे आंसू गाल पर जम गए थे। मैंने वहां आदरणीय पूज्य दलाई लामा की तस्वीर के साथ अपने स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीरें भी छोड़ी और एक छोटा सा खिलौना भी जिसे मेरी 10 महीने की बेटी ने मुझे दिया था। साथ में संसार की देवी माँ चोमो लुंगमा के लिए प्रार्थना ध्वज भी। नीचे उतरते वक्त हम सावधान थे, कोई गलती नहीं, लेकिन अपने दोस्तों से बेस कैंप में मिलने की जल्दी थी हमें। वो बहुत नीचे बादलों के भी नीचे 2 दिन दूर था। 2 महीने पहले एड जैमलिंग और एरसली सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक ऐसी विपदा के करीब हो सकते थे जो सारी दुनिया को स्तब्ध कर देगी। मगर ऐसी भयावह और कठिन स्थिति में भी इन लोगों ने साहस और मर्यादा से काम किया। जिंदगी में किसी को लेकर मैं इतना खुश कभी नहीं हुई।
एवरेस्ट की ऊंचाई पर रॉजर का जीपीएस लगातार आंकड़े भेज रहा था, जो एक दिन भूगर्भ शास्त्रियों को भूकंप के बारे में और ज्ञान दे सकेगा। और जेमलिन का प्रार्थना ध्वज दुनिया की चोटी पर हवाओं के साथ लहराकर कुछ और संदेश दे रहा था। मुड़कर देखती हूँ तो ताज्जुब होता है कि एवरेस्ट की चोटी पर जाने के लिए मुझे शक्ति कैसे मिली। अब जानती हूँ कि पहाड़ पर चढ़ने की दीवानगी ने ही मुझे ये शक्ति दी। इस साल पौला बेस कैंप पर मेरा इंतजार कर रही थी। बात ही कुछ और थी। बहुत सुखद था ये। उसने अपने भय को परे कर मुझे चढ़ने को उत्साहित किया था और इस कारण हम और करीब आ गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि चोटी तक पहुंचना मेरी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। काठमांडू लौटकर मैंने 25,000 घी के दिए चढ़ाकर इस सुरक्षित और अद्भुत चढ़ाई के लिए धन्यवाद किया। एड, पौला, एरासेली, सुमियो और रॉजर और सब शेरपा थे वहाँ, बावर्ची चांगवा भी। हम सब ने साथ साथ काफी कुछ झेला था। मेरे पिता एक हीरो थे। बचपन से ही वे मेरे आदर्श थे। मेरे लिए वे अपनी धरती के सबसे बहादुर आदमी हैं। मैं जानता हूं कि मुझे एवरेस्ट की चोटी पर देखकर वे हंसे होंगे। कहा होगा, जेमलिन मेरे बेटे, मुझे मिलने इतना लंबा और कठिन रास्ता तय करने की क्या जरूरत थी? जैसे कि उन्हें हमेशा से पता था कि मैं पहाड़ के लायक ही बना हूं।